हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेक्निकल टॉक्स पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं एक कहानी से स्टार्ट करूंगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद में अपन ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। एक बार क्या होता है, एक भेड़ का झुंड जाता रहता है। एक भेड़ जा रही है, उसके पीछे पीछे दूसरी भी, पूरा इस तरह से पूरा एक झुंड जा रहा है। सब नीचे के दन के चल रही है, आगे कोई मतलब नहीं, आगे क्या है, एक के पीछे एक चल रही है। आगे एक बहुत बड़ा खड्डा होता है, एक बहुत बड़ा खड्डा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, सबसे आगे वाली भेड़ गिर जाती है। पीछे वाली भेड़ को कोई पता नहीं है, वो उसके पीछे, वो भी नीचे गर्दन करके वो भी उसके अंदर चली जाती है। ऐसे करते करते जितनी भी भेड़ है सारी उसके अंदर खड्डे में चली जाती है, और लास्ट में सबकी सब उस खड्डे में रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक को फॉलो कर रही थी, प्लस वो आगे वाली है उसको कोई मतलब नहीं, इस तरह से सारी जो है एक दूसरे को फॉलो करती हुई चली जाती है। दोस्तों, ये जो छोटी सी कहानी है, ये जो अभी CAA जो आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है, जो पहले बिल था अब एक्ट बन चुका है, उस पर बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। तो आज का ये वीडियो जो मैं लेके आया हूँ, ये है CAA पे क्या एक्चुअल में है, क्यों इतना बवाल मचा हुआ है और क्या इसके पीछे तर्क है। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल टॉक्स को, और प्रेस कीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था वो 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति जो है हमारे रामनाथ कोविंद, उनकी मंजूरी के बाद में एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है। दोस्तों, आखिर है क्या इस कानून में? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस कानून के मुताबिक क्या है, जो भारत के जो पड़ोसी देश है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इनसे जो भारत में शरण के लिए आए हुए 6 समुदाय जो विशेष है, हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख और पारसी, इन 6 समुदायों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, कैब की शुरुआत कब हुई? जो मोदी सरकार का पहला कार्यकाल था तब उन्होंने कैब को लेके आई थी, लेकिन पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें काफी जोरदार विरोध हुआ, उसके कारण ये केवल लोकसभा में ही पारित हो पाया। उसके बाद में अब जब मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल आया तो उन्होंने क्या करा, संसद के दोनों सदनों, उसमें आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों के अंदर इसको पारित करवा लिया। जो लोकसभा में पारित हुआ वो 9 दिसंबर 2019 को, फिर 11 दिसंबर को वापस ये राज्यसभा में पारित हुआ, 12 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद में अब कानून बन चुका है। अब एक बार जान लेते हैं कि इसके अंदर पक्ष में विपक्ष में कितने वोट पड़े। तो राज्यसभा में इसमें 125 जो वोट है वो पक्ष में पड़े और 105 जो वोट है वो विपक्ष में पड़े। अब दोस्तों, सवाल उठता है, इस कानून में आखिर है क्या? तो इस कानून के मुताबिक जो 31 दिसंबर 2014 है, 1 जनवरी 2015 से पहले, तो जो भी अप्रवासी भारत में आ गया तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उनके लिए कोई आवश्यक दस्तावेज नहीं है, उनको बस एक आधार रखना है कि उनको बताना है कि हम इससे पहले आ चुके हैं। दोस्तों, अब जब बात आती है कि पूर्वोत्तर राज्यों में इतना विरोध क्यों हो रहा है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध इसलिए हो रहा है, जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे असम, मणिपुर ये सब आते हैं, तो वो विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर ये सब आते हैं अप्रवासी, इनको काउंट करते हैं, आपके सम्मिलित करते हैं, तो उससे जो उनके राज्य हैं, उनकी जो सांस्कृतिक है, पारंपरिक जो विरासत है, उनसे वो खिलवाड़ बता रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग खिलवाड़ हो रहा है क्योंकि वो सब आ जाएंगे तो उनकी जो भाषाई और सांस्कृतिक ये सब है उनसे एक तरह का खिलवाड़ हो जाएगा। दोस्तों, ये जो कैब है, इस बिल को 1955 के आधार पर संशोधित कर किया गया है। तो उसमें क्या था, 11 साल तक रहने पर नागरिकता मिलती थी, लेकिन अब 6 साल तक रहने पर ही नागरिकता मिल जाएगी। अब दोस्तों, बात आती है विरोध की। विरोध में सब अपने अलग अलग तर्क दे रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि ऑलरेडी इतनी बेरोजगारी है, सब भुखमरी है, तो इन सबको लाला के कहाँ रखोगे, और फिर इसमें मुसलमानों को क्यों सम्मिलित नहीं किया गया, अनुच्छेद 14 का ये उल्लंघन करता है क्योंकि उसमें समानता का अधिकार है, तो फिर अगर आपने इनको मुसलमानों को इसके अंदर सम्मिलित नहीं किया तो समानता क्या रही? तो सेकुलर कंट्री है इंडिया हमारी, तो उसमें फिर क्या रहेगा, उसके अंदर ऑलरेडी विदेशों से अलग अलग तरह के तर्क आ रहे हैं, तो इसलिए सब विरोध हो रहा है। अब सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है ये लोग वो लोग हैं जो अपने देशों में बहुत अल्पसंख्यकों में आते हैं, जिनका एक बहुत ज्यादा परसेंटेज था बहुत कम हो चुका है, उनकी स्थिति उसके धार्मिक और इन आधार पर बहुत ही दयनीय है, इस वजह से ये कानून लाया गया है, तो सरकार का ये मत है। अब फाइनली इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, तो उसके पास 13 के अनुसार ये मामला जाएगा, उनका रिव्यू आएगा, वो देखेंगे। सरकार कह रही है कि ये बिल्कुल संवैधानिक है, अब सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है, उनका जब रिव्यू आएगा उसके बाद ही क्लियर होगा। आप क्या समझते हैं CAA
सही है या नहीं है, अगर कमियां हैं तो क्या कमियां हैं। तो प्लीज़ अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैंने एग्जांपल दिया था जो भेड़ वाला, वो इसलिए दिया था क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं अभी जो विरोध कर रहे हैं, तो विरोध का एक अलग तरीका होता है। अब वो क्या कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, एक तो सब पत्थर फेंक रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो शांति से विरोध कर रहे हैं वो और बदनाम होते हैं। तो दोस्तों विरोध करने का तरीका है होता है, विरोध करें, बट इस तरह से ना करें कि किसी का घर तोड़ दें, किसी का पुलिस वालों का सर फोड़ दें, या फिर किसी रास्ते चलते वाले का सर फोड़ दें। तो इस तरह से विरोध, या किसी बस को जला दिया, ये सब करा दिया, तो ये विरोध का कोई तरीका नहीं होता है। फिर कोई एक्शन होगा, फिर गवर्नमेंट का एक्शन होगा। तो सबको पहले समझना चाहिए कि सीए है क्या। तो ये वीडियो मैं इसलिए सीए को समझाने के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। आपका जो भी इस वीडियो, जो सीए भी है, जो सीए अब बन चुका है, इस पे आपकी क्या राय है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसमें ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो शेयर जरूर करें। और चैनल टेक्निकल टॉक्स को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो